दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कोई आपको मिस करे, आपको याद करे, आप जैसा उसके साथ, आप जो लगे रहते हो उसके लिए, ख्यालों में उसके लिए दिन रात सोचते हो, आपके लिए भी कोई ऐसा करे, तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। बस इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि वीडियो को डिटेल में बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट मिस ना हो और आपकी लाइफ बेटर हो सके। तो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत शर्मा, मेरा मकसद भी सिर्फ इतना है कि आपकी लाइफ मेरी वजह से थोड़ी सी बेटर हो सके। तो सबसे पहले ना एक चीज समझिए, आज हम जो बात करने वाले हैं कि कोई पर्सन आपको कैसे मिस करे, आपको क्यों याद करे, आपको कैसे याद करे, आपके बारे में सोचना शुरू करे। तो एक बात को समझो कि कोई भी व्यक्ति आपको क्यों याद करेगा, आपके बारे में क्यों सोचेगा। किसी को भी हम क्यों याद करते हैं? अगर कोई भी पर्सन किसी के बारे में भी हम जब सोचते हैं तो हमारा माइंड में क्या फीलिंग्स आती हैं उसके प्रति? हमेशा आप उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे। आपके साथ में कुछ अच्छा उसने किया, आपकी कहीं पे मदद की हो, फॉर एग्जांपल आपका एक बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, सोशल मीडिया पे भी होंगे और कुछ आपके जिनसे आप मिलते जुलते हैं रियल फ्रेंड्स होंगे, रियल वर्ल्ड के फ्रेंड्स होंगे, तो उनमें से कुछ लोग आपके बहुत क्लोज होंगे। क्यों? व्हाई? क्योंकि कोई भी वक्त पड़ा हो, कोई भी बुरा वक्त पड़ा हो, तो स्पेशली बुरे वक्त में वो आपके साथ खड़े हुए थे, आपको एडवाइस देने के लिए जब भी जरूरत पड़ी थी कोई सही गाइडेंस की उन्होंने बताया था, या उनके साथ आपने कुछ ऐसे पल बिताए थे जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ अच्छाई थी उनके अंदर, कुछ ऐसी एक्स फैक्टर था जिस जो आपके भरोसे को जीत सका। समझ रहे हो? कोई ऐसा पर्सन आप याद करोगे जो आपके भरोसे पर टिका रहा, आपको छोड़ के नहीं भागा, या आपके साथ हमेशा खड़ा रहा। यही आपको अपने अंदर करना है। आपको दूसरे के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, उसके लिए अच्छे बने रहना है। क्योंकि जब आप अपने नेचर में बिहेवियर पे, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अपने बिहेवियर को थोड़ा सुधारें और अपने अंदर बदलाव करें, सिर्फ इतना सा कि दूसरे के लिए अच्छे बने रहें। ठीक, अगर आप किसी के लिए अच्छा बिहेव करेंगे या अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके बारे में सोचेगा, मिस करेगा और आपको इग्नोर नहीं कर सकता। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इफ समबडी इज इग्नोरिंग यू, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है, और मतलब आप हैं नहीं हैं, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, राइट? और आपने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है कि आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वो डिजर्व जो करते हैं ना, डिजर्विंग वाला जो फैक्टर होता है, उससे नीचे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको उसके लिए अपने आप को कम करना है। फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते हैं, ठीक, हम जब रोटी रेगुलरली खाते हैं तो हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन हम भूखे रहते हैं उस दिन हमें रोटी की वैल्यू समझ आती है। एक सिंपल सी बात है, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से हम जिस व्यक्ति से, जो हमसे मिलता जुलता रहता है ना, उसको हम बिल्कुल ही ग्रांटेड वे में लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन जब वो किसी भी कारण से चला जाए, कोई मतलब कुछ दूर हो जाए या कुछ दिन हमारे पास ना हो, तो हम उसकी वैल्यू समझते हैं, राइट? तो आपको सबसे पहले, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां से अपने आप को थोड़ा सेपरेट करना है, राइट? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अगर सामने से नेगेटिविटी आ रही है, आपको लग रहा है कि भाई सिर्फ झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो आपको वहां पे समझाने का ज्यादा प्रयास नहीं करना, क्योंकि जब भी आप समझाने की कोशिश करेंगे, जब भी आप उनको किसी भी वे में बताने की कोशिश करेंगे, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। आपका कोई भी पॉइंट, चाहे वो आप सही हो या गलत, गलत ही उनको लगेगा। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा वहां से सेपरेट होने की कोशिश कीजिए, वहां से हटने की कोशिश कीजिए। ज्यादा हो तो एक या दो बार समझाओ और खुद फिर साइलेंट हो जाओ। बिल्कुल, अब आप कहोगे अगर हम बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे तो क्या होगा, वो तो समझेगा कि भाई ये तो इग्नोर करना नहीं। अगर कोई व्यक्ति गलत है और सामने वाला चुप हो गया, तो वो खुद में रियलाइजेशन स्टार्ट होती है नेगेटिव चीज की, या नेगेटिव बिहेवियर की, या नेगेटिव कैसा भी कुछ भी हो, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को रियलाइज तभी होगा जब आप
उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, थोड़ा सा खुद को सेपरेट कर लेंगे, तो ये आपके लिए और उस इंसान के लिए जिसको आप चाहते हैं कि वो आपको मिस करे, आपकी वैल्यू क्रिएट करे या आपको याद करे, दोनों के लिए और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके रिश्ते के लिए बेटर होगा। तो आपको ये बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है और सब कुछ अच्छा ही होगा और वो आपको मिस भी करेंगे, याद भी करेंगे और आपकी वैल्यू भी ऐड होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी पर्सनल काउंसलिंग करूं तो आप हमारे पेड कंसल्टेशन नंबर 8860997155 पे आप मैसेज कर सकते हैं और डेट और टाइम हमारी टीम आपके लिए बुक कर देगी, हम आपकी कंसल्टेशन कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना उस इंसान तक जिसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये ज्ञान किताबों में नहीं मिलता। आज के लिए सिर्फ इतना ही और मेरे तरफ से प्यार भरा राधे राधे।